नमस्कार। इंसेक्ट इंटरनली पार्ट में हमने पिछले लेक्चर में डाइजेस्ट सिस्टम या पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पाचन तंत्र तीन भागों में डिवाइड किया गया था, फोरगट, मिडगट और हैंडगट। आज हम फोरगट और माउथ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। Myself, Dr. Ashok Kumar Siroya, PG Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Foregut or mouth, जो है thorax और head part में पाए जाते हैं। Foregut को हम stomodium भी कहते हैं और जो डाइजेस्टिव पार्ट है फोरगट में, फंक्शनल रीजन फोरगट के आगे की तरफ हेड पाया जाता है और फोरगट पार्ट कार्डियक वाल तक प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले हम माउथ पार्ट्स की बात करेंगे। माउथ पार्ट्स प्रोवाइड्स इनिशियल फूड मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग। ये हेड के पार्ट के जस्ट नीचे अदर भाग में या वेंट्रल पार्ट में लगे रहते हैं, जो फूड इंसेक्ट लेते हैं उनको प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन का काम इसके द्वारा किया जाता है। और भोजन को आगे फोरगट या स्टोमोडियम में पहुंचाने का काम माउथ पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। माउथ पार्ट्स के द्वारा भोजन को आगे की ओर सीबेरियल मसल्स या सीबेरियल पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है। एन इंसेक्ट माउथ इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स के जो बेस होता है वहां पर इसके पाए जाते हैं। माउथ जो है, माउथ पार्ट्स एंड सर्व एज ए मस्कुलर वाल फॉर फूड इंजेक्शन। ये मस्कुलर वाल के रूप में काम करता है फूड को अंदर ले जाने के लिए। और जो यहाँ पाए जाने वाले मसल्स हैं उनको सीबेरियल मसल्स, और जो पंप सिस्टम यहाँ पाया जाता है उसको हम सीबेरियल पंप कहते हैं। स्टोमोडियम या जो फोरगट है, फोरगट या स्टोमोडियम में हम मुख्य रूप से फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार इन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फेरिंग्स बिहाइंड द माउथ, माउथ के जस्ट पीछे वेल मस्क्यूलेटेड ऑर्गन है कॉल्ड फेरिंग्स, जिसके अंदर मसल्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। वेल मस्क्यूलेटेड पार्ट है which pushes the food into esophagus. तो ये pharynx जो है वो mouth और esophagus के बीच में पाया जाता है, mouth और esophagus के बीच में, और sucking pump के रूप में भी ये काम करता है for the safe feeders, जो रस पीते हैं उनके अंदर, उन कीटों के अंदर। इट कंसर्न विद इंजेशन एंड बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड। इंजेशन के साथ में फूड को पीछे की तरफ धकेलने का काम, बैकवर्ड ऑफ द फूड, ये काम फेरिंग्स के द्वारा किया जाता है। सेकेंड पार्ट है इसोफेगस। इट इज ए नैरो सिंपल ट्यूब। ये बहुत साधारण सी ट्यूब समान संरचना होती है फोरगट की, थ्रू विच द फूड गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फेरिंग्स टू क्रॉप। फेरिंग्स से क्रॉप के बीच में भोजन को आगे पहुंचाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, उसे हम इसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं। इट इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि क्रॉप जो होता है वो एक थैले समान संरचना होता है जो
डायलेटेड हो सकता है और पर्पज ऑफ स्टोरेज के रूप में, जैसे मेमल्स में आमाशय होता है, आमाशय में भोजन को संग्रहित किया जाता है, उसी प्रकार से पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए कीटों में क्रॉप पाया जाता है। इन हनी बी क्रॉप इज कॉल्ड हनी स्टोमक। हनी बी में जो क्रॉप है वो हनी स्टोमक उसका नाम दिया जाता है। नेक्टर कन्वर्जन का जो कार्य है वो होता है। फोर्थ पार्ट इज गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। इट इज फॉर्म द लास्ट पोर्शन ऑफ फॉरगट। फॉरगट का जो लास्ट पोर्शन है वो हम उसे गिजार्ड कहते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकुलर इंटीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड के अंदर दांतें जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्यूटिकुलर इंटीमा लेयर मॉडिफाइड इनटू टीथ लाइक डेंटिकल्स दैट हेल्प फॉर ग्राइंडिंग द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल जो इंजेस्ट किया जाता है उसको ग्राइंड करने के लिए क्यूटिकुलर इंटीमा पाई जाती है जो टीथ लाइक डेंटिकल्स द्वारा निर्मित होती है। इट इज फाउंड इन सॉलिड फीडर्स। जो सॉलिड फीडर है उसके अंदर गिजार्ड पाया जाता है। वेल डेवलप्ड एब्सेंट इन फ्लूइड फीडर और सैप फीडर। सैप फीडर के अंदर गिजार्ड जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ये हमने अभी बात की थी। तो फर्स्ट पार्ट इसका फेरिंग्स है, सेकंड पार्ट इसोफेगस है, थर्ड पार्ट क्रॉप है, ये इसोफेगस, और फोर्थ पार्ट प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड, यानी कि जो कार्डियक वाल है उससे पहले पहला पार्ट जो है ये रेड जो दिखाई दे रहा है वो स्टोमोडियम या फोरगट कहलाता है। माउथ में ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा सीक्रेशन का काम करती है, उन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। टर्मिनल माउथ पार्ट्स लीड इनटू अ प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी बिटवीन एपीफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स और एपीफेरिंग्स इसके बीच में जो जगह पाई जाती है जो रेड रेड दिखाई दे रही है कॉल्ड सिबेरियम। प्रीओरल कैविटी बिटवीन हाइपोफेरिंक्स एंड सलाइवरी डक्ट इज सलाइवेरियम। तो प्रीओरल कैविटी बिटवीन हाइपोफेरिंक्स एंड सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट और हाइपोफेरिंक्स के बीच में जो जगह पाई जाती है उसको हम सलाइवेरियम कहते हैं। सलाइवेरियम ये जो दिख रही है सलाइवरी डक्ट जिस जहाँ सलाइवरियम के अंदर ये सलाइवरियम और सलाइवरी डक्ट जिसके अंदर सलाइवा के जो पदार्थ पाए जाते हैं जो डक्ट पाए जाती है उसे हम सलाइवरी डक्ट कहते हैं। सलाइवरी डक्ट जो सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा बनता है वो सलाइवरियम तक पहुँचाने का कार्य करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो भोजन को मोशन और लुब्रिकेट करने का काम करती है और डिजोल्व फूड जो होता है वो डाइजेशन को इनिशिएट करने का कार्य भी सलाइवरी ग्लैंड के सीक्रेशन द्वारा किया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स are a pair of gland involved in the secretion of salivary juices. These glands present either side of esophagus which open at the base of the hypopharynx through small salivary duct. In case of silkworm, lepidopteran larvae, the salivary glands produce silk and anticoagulant in blood suckers like mosquitoes. So, jo ye मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है सिल्क वर्क के अंदर या लेपिडोप्टेरन लार्वे के अंदर ये सलाइवा सिल्क के रूप में सीक्रेशन होता है और एंटीकोगुलेंट पदार्थ
भी सीक्रेशन किया जाता है, ये मॉस्किटो या जो भी सेफ फिटर्स हैं या जो ब्लड सकर्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीजेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, सेलुलेज। एमाइलेज हेल्प्स फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च, लाइपेज हेल्प्स फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, प्रोटीजेज हेल्प फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इन्वर्टेज हेल्प फॉर डाइजेशन ऑफ सुक्रोज जो कि हनी बी में पाया जाता है, माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज के डाइजेशन में काम आता है, और जो सेलुलोज का डाइजेशन है वो सेलुलोज एंजाइम जो टर्माइट्स है उनके अंदर पाया जाता है। मुख में सेलिवरी ग्लैंड्स के अलावा एक अन्य संरचना पाई जाती है जिसे हम हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। हाइपोफेरिंक्स इज ए टंग लाइक स्ट्रक्चर विच एड्स इन द इनिशियल मैनिपुलेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ये लेबियम और लेब्रम के बीच में पाई जाने वाली संरचना है जो भोजन के मैनिपुलेशन और फूड मिक्सिंग में अपना रोल अदा करता है। सलाइवरी ग्लैंड की संरचना यदि हम देखें तो ये हाइपोफेरिंक्स से स्टार्ट होकर के इफ्रेंट सलाइवरी डक्ट, कॉमन डक्ट फॉर रिजर्वायर्स से होते हुए जो ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड्स के साथ में लगे हुए रिजर्वायर उनकी संरचना में दिखाई देते हैं। ये सिल्क मॉथ में जैसे कि अभी हमने बात की थी सिल्क सिक्रेशन का काम करती, और जो मॉस्क्यूटोज या जो ब्लड सकर इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर एंटीकोगुलेंट का सीक्रेशन भी इनके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।